विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं जम्मू कश्मीर में। अब कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तैयारियां करना शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने जी किशन रेड्डी को अपना प्रभारी बनाया है जम्मू कश्मीर से, चुनाव प्रभारी। अब देखना होगा जिस तरह से वर्तमान में जो सुरक्षा के हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए हैं, क्या इसके बावजूद भी यहां पर विधानसभा चुनाव होते हैं या नहीं, इस पे सबसे बड़ा सवाल बना रहेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की यह डायरेक्शन है कि बहुत जल्द यानी सितंबर से अक्टूबर तक जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। ऐसे में अब सरकार जो है वो पूरी तरह से चुनाव कराने को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन सुरक्षा हालात इस पर पेच जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज फिलहाल एक बड़ी खबर, एक संकेत जो है वो दिया गया है जम्मू कश्मीर से, विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी बीजेपी की तरफ से जी किशन रेड्डी को बनाया गया है, उन्हें यहां से चुनाव प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है। अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो अब कहीं ना कहीं संकेत सीधे हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द यहां पर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। यहां पर विधानसभा चुनाव 2014 और 15 में हुए थे, उसके बाद 2018 में यहां पर जो एक गठबंधन बना था बीजेपी और पीडीपी का, जो गठबंधन था, उस गठबंधन की सरकार थी, उस गठबंधन को तोड़कर वो सरकार गिर गई थी। और उसके बाद जब धारा 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर को जो है वो प्रांत में बदल दिया, यानी यूटी में बदल दिया। तो अब स्टेट का जो दर्जा है उसकी भी मांग लगातार तेज देखने को मिल रही है। यहाँ के जो विपक्षी पार्टियां हैं, यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो काफी देर से जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर जो है वो मांग कर रहे थे। उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार हमेशा से ही सुरक्षा को एक बहुत बड़ा कारण बताती थी, लेकिन अब जाकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं सुधरने का जो दावा कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जम्मू के अंदर कुछ बड़े हमले हुए हैं जिसके बाद एक बार फिर से ये बताना बहुत मुश्किल है कि क्या बहुत जल्द यहां पर चुनाव होंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। लेकिन आज एक बड़ा संकेत बीजेपी की तरफ से दिया गया है, जी किशन रेड्डी जिन्हें जम्मू कश्मीर से अपना चुनाव प्रभारी बनाया है बीजेपी की तरफ से, और यहां पर अगर चुनाव होते हैं तो अब आगे आने वाले समय में किस तरह से रणनीति तैयार होगी उस पर भी देखना होगा। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ विपक्ष है। अभी अभी लोकसभा के चुनाव जो हैं उनके परिणाम भी निकलकर सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा कि यहां पर जम्मू कश्मीर को लेकर क्या स्ट्रेटजी होगी। और सबसे खास बात यह है कि बैठकों का दौर भी चल रहा है, 21 जून को बैठक भी होने वाली है, उच्च स्तरीय बैठक होनी है, उसमें सिक्योरिटी पर भी बात होगी, उस पर पॉलिटिकल जो यहां पर सीनियरियो है उसको लेकर भी बातचीत होगी। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए और इस पर एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर अशफाक गौहर साहब जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक संकेत है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, संकेत तो अपनी जगह उस वक्त दिए थे जब गृह मंत्री ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, और उन्होंने स्पेसिफिक किया था कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है हम अकॉर्डिंगली ही आगे बढ़ेंगे। यानी उस वक्त उन्होंने ये फ्रेमवर्क सीधे कर दिया था कि सितंबर आते आते चुनाव होंगे। उसके बाद गृह मंत्री साहब जम्मू कश्मीर आए, यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, और फिर जितनी भी चैनल्स के उन्होंने बात की उन्होंने इसी लाइन को टोक किया। लेकिन कल से जो हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक जो मीटिंग्स पहले हुई उन मीटिंग्स में भी फीडबैक लिया गया कि किस तरीके की इस वक्त मिलिट्री सिचुएशन है, ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, और पोलिटिकली कैसे लोग देख रहे हैं, वो सारा एसेस किया गया। और अब हमारे पास खबर है कि 21 तारीख को जिस दिन प्रधानमंत्री साहब श्रीनगर के अंदर योग करेंगे, जो अभी तक हमारे पास प्रोग्राम आ रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि वो श्रीनगर रहेंगे, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के 5 वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, और उसके साथ साथ जो प्रभारी नए बनाए गए हैं, इलेक्शन इंचार्ज बनाए गए हैं, उनको काम उन्हें भी बुलाया गया है। जेपी नड्डा साहब वहां पर रहेंगे और अमित शाह साहब रहेंगे। जो प्रोसेस चलेगा, जो एजेंडा ऑफ द टॉक्स है, वो दो चीजें, एक प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस करना है, और साइमेंटेनियसली जो सिचुएशन अमरनाथ यात्रा को लेकर बनी हुई है उसमें बीजेपी किस तरीके से एक्सेल करेगी, इनरोड करेगी, उस पर भी जो है वो बात होगी। अगर ये हम देखें कि लॉ एंड ऑर्डर वाली मामला होता तो शायद बीजेपी को नहीं बुलाया जाता। बीजेपी के प्रेजिडेंट को, बीजेपी जम्मू कश्मीर असेंबली इंचार्ज को और दीगर लोगों को बुलाने का मकसद सिर्फ इतना है कि किस तरीके से हम असेंबली के चुनाव में और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, और एक कंप्रहेंसिव प्लान शायद तरतीब दिया जाएगा। क्योंकि जब हम ये मीटिंग 21 तारीख को होनी है, उससे पहले जब आप देखेंगे जम्मू के अंदर बीजेपी मुख्यालय के अंदर कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जो तकरीबन एक दिन पहले, ईद से पहले एक दिन हुई, और वो तकरीबन 3 से 4 घंटे तक चली है, जिसमें सिर्फ हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डिटेल डिस्कशंस किए गए। पहले जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिस्कस किया गया, फिर प्रोबेबली जो हमारी हॉट जोन कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर बीजेपी का एक बहुत बड़ा मार्जिन है उसको लेने की बात की गई, जहां पर लोकसभा इलेक्शन के दौरान बहुत कम मार्जिन रहा
10,000 2,000 4,000 8,000 का मार्जिन रहा, वो कनेक्शन से अलग की गई और वहां पर प्रबल दावेदार कौन हो सकते हैं उस पर भी गुफ्तगु हुई है जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर जहां हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारियां हो रही है, वहां पर जम्मू कश्मीर के विजावी जब आप देखेंगे तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट भी बदले जाएंगे, यूटी के रविंदर रैना, एक अनाउंसमेंट वो भी एक दो दिनों के अंदर अंदर हो सकती है। उसके साथ साथ ये मीटिंग जो है, जो बैक टू बैक मीटिंग्स आ रही है, वो ये साफ दिखा रही है कि बीजेपी कमर कस चुकी है चुनाव में आने के लिए, और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक मीटिंग्स चल रही है। क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी जम्मू कश्मीर तैयार है विधानसभा चुनाव को लेकर? और दूसरा सवाल रहेगा, लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई है कश्मीर के अंदर, बंपर वोटिंग हुई है, काफी ज्यादा लोग बाहर निकल कर आए हैं, क्या वो भी एक संकेत है कि जम्मू कश्मीर? वो एक बड़ा संकेत है। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उसका सबूत लोकसभा के इलेक्शन में मिला। क्यों? जो कॉन्स्टिट्यूएंसियां शून्य होती थी, यानी 0-1% होता था, वहां पर पोल परसेंटेज 30-35-40 तक जाना, वो ये माइंडसेट बता रहा है कि लोग अब की बार बाहर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि पो वायलेंस फ्री चुनाव होना, लोकसभा के चुनाव एक जगह पत्थर नहीं, एक जगह गोली नहीं, एक जगह धरना नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, यानी वायलेंस फ्री, ये एक और पॉजिटिव स्टेप है। फिर तीसरा पॉजिटिव स्टेप है कि नौजवान जो युवा है, जो शायद 90s के बाद इन चुनावों से काफी दूर रहते थे और ये कह रहे थे कि जनाब ये तो बड़ा प्रीमैच्योर हो, ये सारा एडजस्टमेंट होती है और ये सबसे पहले बना होता है गेम, कुछ इस तरीके का माइंड सेट था, वो भी बाहर आया। फिर चौथी बार जो मुझे इसमें पॉजिटिव पॉइंट लगी वो ये है कि जमात इस्लामिया और अलगाववादी नेता जो बहिष्कार की कॉल 10 साल तक देते रहे वो बाहर आए। उन्होंने लोगों का कि बस यार ये एक प्रोसेस है जिसको अगर हम अडॉप्ट करें तो एक तो अपने मसाइल जो रोजमर्रा के मसाइल हमारे हैं, बिजली पानी सड़क रोजगार के मसले हैं, उसके साथ जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसे भी हम पार्लियामेंट में लाकर डिस्कशन के जरिए से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बैक टू बैक चेंज जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुई उस दिन जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या कहा कि मुझे चमक नजर आ रही है जी नौजवानों की आंखों के अंदर, और ये चमक और ये जो तड़प उनकी है इसे हम असेंबली में रिफ्लेक्ट करेंगे। और यही वजह कि ये हमें उम्मीद है कि ये आने वाले 5-8 दिन जो है ये बैक टू बैक एक पॉलिटिकल चेंज जम्मू कश्मीर के अंदर ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हमें उम्मीद है कि ये अब बहुत जल्द यहां पर विधानसभा के चुनाव हो, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यहां पर बंपर वोटिंग हुई है, अब इलेक्शन कमीशन इस पर मोहर लगाएगा, आखिरी मोहर लगाएगा कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे नहीं। हालांकि हलचल तेज हो गई है, पार्टी लेवल पे हलचल तेज हो गई है, अब देखना होगा कि क्या चुनाव होंगे या नहीं। फिलहाल